एवरीवन, आज हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी के लिए इसकी क्लाउड ने 1941 में और इसको टर्म दिया था राइबोसोम पैलेट ने 1953 में। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ राइबोसोम। तो ये ऑल टाइप ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक तक। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये स्कैटर्ड होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, लेकिन यूकैरियोटिक्स में ये एक साथ होते हैं, अटैच्ड होते हैं आरईआर से। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड प्रेजेंट। अब बात करते हैं अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। सो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम वो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं और इसका जो वेट होता है, डायमीटर होता है वो 18 नैनोमीटर और इसका वेट होता है 2.8 मिलियन डाल्टन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दो सब यूनिट में डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट इज स्मॉल सब यूनिट एंड सेकेंड इज लार्ज सब यूनिट। जो इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S टाइप की होती है, असिमेट्रिकल होती है और दो सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, इसको जिसको बोलते हैं हेड एंड बेस सेगमेंट। जो 30S सब यूनिट होती है वो 16S आरएनए और 21 प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं लार्ज सब यूनिट। सो लार्ज सब यूनिट जो होती है वो स्फेरिकल होती है स्ट्रक्चर में और इसको बॉडी बोलते हैं, जो कि 3 प्रोजेक्शन कंटेन करती है। फर्स्ट इज सेंट्रल प्रोजेक्शन एंड टू सेकेंड इज लेटरल आर्म प्रोजेक्शन एंड थर्ड इज ऑल्सो लेटरल आर्म। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो इसमें फिटेड होती है बॉडी के अंदर और एक टनल की फॉर्मेशन करती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो mRNA इस टनल के अंदर एंटर करता है। ये सब यूनिट 23S और 5S mRNA और 34 प्रोटीन की फॉर्म्ड होती है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। सो यूकैरियोटिक राइबोसोम बिल्कुल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह सिमिलर होता है और इसका डायमीटर होता है 22 नैनोमीटर और इसका वेट होता है 42 मिलियन डाल्टन। लार्ज सब यूनिट जो होती है वो कंटेन करती है 60S की, तो मतलब 28 प्लस 5S आरएनए की और 40 प्रोटीन। स्मॉलर सब यूनिट जो होती है वो 40S की होती है, मींस 18 आरएनए एंड 30 प्रोटीन। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। जब प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है तो उस टाइम पे ये उसको आरएनए को और एमआरएनए डीआरएनए को स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने कोडोन और एंटीकोडोन को मैच कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।